Good afternoon. मैं विकास यादव फ्रॉम बुद्धाचूर्य फार्मेसी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। जैसा कि हम जानते हैं कि इथेनॉल जितने भी अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं उनका सबसे मेन कंपोजिशन क्या होता है? इथेनॉल। आजकल तो आप कोविड के टाइम में देख रहे हैं कि वेरियस जो डिसइंफेक्टेंट या अगर यूज किए जा रहे हैं उसमें भी आपको इथेनॉल यूज किया जाता है 70% वेट बाय वॉल्यूम। तो अब इसका यूज क्या क्या है? इथेनॉल का यूज है एज ए एस्ट्रिंजेंट, जैसे कहीं कट फिट जाए तो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देता है, तो एस्ट्रिंजेंट की तरह यूज है। इसके अलावा एंटीसेप्टिक के तरीके भी यूज किया जाता है। अल्कोहल इन 70% कंसंट्रेशन इज ए गुड एंटीसेप्टिक एजेंट। अच्छा, और हम देखते हैं कि तो ये तो चलिए बात हो गया कि हमने एस्ट्रिंजेंट के तौर पर यूज किया या एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज किया, ये आपका एक्सटर्नल यूज है। अब इंटरनल यूज क्या क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं यूज या इफेक्ट ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इफेक्ट ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जब भी आप इथेनॉल का यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बढ़ जाता है। इट इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन अलॉन्ग विथ इट प्रोड्यूस ए कार्बिनेटिव इफेक्ट। इट ऑल्सो प्रोड्यूस ए कार्बिनेटिव इफेक्ट। लिवर पे अगर बहुत लंबे समय तक अल्कोहल का यूज किया जाए तो क्या डेवलप हो जाता है? लंबे समय तक अल्कोहल का यूज करने पे फैटी लिवर की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। फिर आपका नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी क्या क्या इफेक्ट आता है? अगर हम अल्कोहल की थोड़ा सा कम अमाउंट मिले तो इनिशियल थोड़ा एक्साइटमेंट काज करता है, लिटिल अमाउंट इट काज एक्साइटेशन, बट व्हेन अल्कोहल इज टेकन इन टू मच अमाउंट एंड फ्रिक्वेंट डोजिंग देन इट काज डिप्रेशन। लंबे समय तक अगर हैवी डोज अल्कोहल आप ले रहे हैं तो ये डिप्रेशन काज करेगा, इनिशियल बहुत लिटिल डोज इट काज एक्साइटेशन। फिर हम चलते हैं इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अल्कोहल की अगर लिटिल अमाउंट लिया जाता है तो ये देखा जाता है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम थोड़ा सा हाइपोटेंशन क्रिएट करता है, हाइपोटेंशन क्योंकि कैपिलरी वेसल्स को थोड़ा सा डायलेट करेगा, मीन्स इन स्मॉल डोज इट काज हाइपोटेंशन, बट when it is taken in too much amount then it causes it increase the heart rate, it increase the blood pressure. Clear? रेस्पायरेशन पे क्या इफेक्ट आएगा? मॉडरेट डोज प्रोड्यूस स्लाइट स्टिमुलेशन। जब भी अल्कोहल की मॉडरेट डोज दिया जाता है तो वो स्लाइट स्टिमुलेशन काज करेगा, बट इन हैवी डोज इट काज डिप्रेशन ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट आपका आता है इफेक्ट ऑन किडनी। जब भी कोई अल्कोहल का यूज किया जाता है तो उससे क्या होगा? यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा क्योंकि ये ईडीएच को डाउन कर देता है। फिर आपका आता है
अच्छा, अल्कोहल अगर लिया जाता है तो 25% के आसपास तो अल्कोहल एब्जॉर्ब हो जाता है स्टमक से, बट रिमेनिंग 75% आर एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। अल्कोहल का लिवर में मेटाबॉलिज्म होता है। लिवर में मेटाबॉलिज्म अल्कोहल का किस तरीके से होता है? सबसे पहले इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल के ऊपर एक एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, वो इफेक्ट डालता है और वो अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है किसमें? एस्टल्डिहाइड में। फिर उस एस्टल्डिहाइड पे एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एक्शन देता है और उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें? एस्टिल को एंजाइम में। अब एक दवा आती है जिसे कहते हैं शराब की लत कैसे छुड़ाएं या अल्कोहलिज्म को कैसे दूर किया जाए, अल्कोहल का एज ए ड्रग एब्यूज से कैसे खत्म किया जाए। तो लत छुड़ाने के लिए एक दवा आती है डाइसल्फेराम। डाइसल्फेराम वो क्या काम करती है? डाइसल्फिरम एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि क्रॉनिक अल्कोहलिज्म को दूर करती है। कैसे? इनहिबिटिंग द एंजाइम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। डाइसल्फिरम क्या करता है कि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज नाम का जो एंजाइम होगा उसे ये इनहिबिट कर देगा। एल्डिहाइड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज नाम का जो एंजाइम होता है इसे ये इनहिबिट कर देगा। तो जब एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देगा तो क्या एस्टल्डिहाइड एस्टिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं, कन्वर्जन नहीं होगा। उस केस में एस्टल्डिहाइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जब एस्टल्डिहाइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उस केस में क्या हो जाता है? एस्टल्डिहाइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर नाजिया वॉमिटिंग की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। दिस लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड विच प्रोड्यूस नाजिया एंड वॉमिटिंग। इट इज एडमिनिस्टर्ड एज ए डोज ऑफ 500 mg वंस डेली शुरुआत में पर वीक, बाद में 250 mg पर डे एज मेंटेनेंस डोज। मतलब आप ये कहेंगे कि डाइसल्फिराम इज ए मेडिसिन विच इज यूटिलाइज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। ये क्या काम करता है? ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, इससे आपका एस्टल्डिहाइड का एस्टिल को एंजाइम ए में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। जब एस्टल्डिहाइड एस्टिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो एस्टल्डिहाइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एस्टल्डिहाइड की बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई क्वांटिटी नाजिया और वॉमिटिंग क्रिएट करती है। दैट्स इट। इसके लिए हम शुरुआत में जो डोज देंगे वो क्या? 500 mg पर डे फॉर 1 वीक। 500 mg पर डे इनिशियल डोज फॉर 1 वीक, आफ्टर देन 250 mg पर केज, 250 mg पर डे एज ए मेंटेनेंस। इसके बाद हम आते हैं किस पे? मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। मिथाइल अल्कोहल की खास बात क्या है? मिथाइल अल्कोहल को हम एक नाम और भी देते हैं, वुड अल्कोहल। खास बात यह कि मिथाइल अल्कोहल हैविंग ए टॉक्सिक इफेक्ट या पॉइजनस इफेक्ट। ये लोग आप तो सुनते होंगे कि शराब पीने से लोगों की डेथ हो गई, उसमें ये क्या होता है कि डिस्टिलरी में मिथाइल अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल से सेपरेट नहीं हो पाता है। तो
तो फिर क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी मौजूद रहेगी। अगर इम्प्योरिटी मौजूद रहेगी इथाइल अल्कोहल के साथ मिथाइल अल्कोहल की, इट लीड्स टू पॉइजनिंग। अब अगर किसी को मान लिया कि मिथाइल अल्कोहल की पॉइजनिंग हो जाए तब, तो उस केस में हम उसे क्या देते हैं, इथाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि मिथाइल अल्कोहल को लिवर मेटाबोलाइज करेगा बाय द एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड प्रोड्यूस फॉर्मल्डिहाइड। और वो जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है एंड कॉज ब्लाइंडनेस। तो हमारी कुछ क्या होगी कि हम पर्सन को दे दें इथाइल अल्कोहल, अगर कभी मिथाइल अल्कोहल की पॉइजनिंग हो तब, उससे क्या होगा, इथाइल अल्कोहल इज प्रिफर्ड बाय द लिवर ओवर मिथाइल अल्कोहल। लिवर ज़्यादा प्रेफर करेगा इसको इथाइल अल्कोहल को, तो मिथाइल अल्कोहल को डिग्रेड किया ही नहीं जाएगा, तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा ही नहीं, तो टॉक्सिसिटी पैदा ही नहीं होगी। इसके अलावा बहुत बार हम सोडियम बाइकार्बोनेट का भी यूज करते हैं उस कंडीशन में, पॉइजनिंग की कंडीशन में, एंड फॉलिनिक एसिड, एंड फॉलिनिक एसिड ये दोनों यूज किए जाते हैं। फिर आपका आता है फोमेपाइजोल। फोमेपाइजोल बेसिकली एक एंटीडार्ट है। एंटीडार्ट मतलब पॉइजन के अगेंस्ट जो काम करे, पॉइजन के अगेंस्ट जो काम करे, दैट इज एंटीडार्ट। तो अगर किसी को मिथाइल अल्कोहल की पॉइजनिंग हो जाए तो उस केस में हम उसे क्या देते हैं, फोमेपाइजोल। क्या देंगे, फोमेपाइजोल। फोमेपाइजोल का रोल क्या होता है कि फोमेपाइजोल इट इज ए एंटीडॉट फॉर मिथाइल अल्कोहल, इट इनहिबिट द एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। तो जब अल्कोहल फोमेपाइजोल जो है, जब अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देगा तो क्या फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, जब फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा तो क्या फॉर्मिक एसिड बनेगा, नहीं बनेगा, तो टॉक्सिसिटी पैदा होगी, नहीं पैदा होगी। इट मीन्स फोमेपाइजोल इज एन ड्रग विच इज यूज एज एन एंटीडॉट टू रिमूव मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग, इट इनहिबिट द एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। व्हेन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी सीज, देन मिथाइल अल्कोहल इज नॉट कन्वर्ट इनटू फॉर्मल्डिहाइड, सो टॉक्सिसिटी नॉट प्रोड्यूस। अब हम आगे चलते हैं किस पे, जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थेटिक एजेंट। जनरल एनेस्थेटिक एजेंट क्या होते हैं, जनरल एनेस्थेटिक एजेंट जो एक तरीके से आपके पूरे के पूरे बॉडी को थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस कर दें, पूरी की पूरी बॉडी को कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस कर दें, बेहोश कर दें, तो इनका यूज कहाँ किया जाता है, एज ए एनेस्थीसिया, बेहोशी की दवा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी। तो जब भी हम जनरल एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है आपका वोलेटाइल लिक्विड्स, फिर गैसेस, फिर आपका आता है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट। अब वोलेटाइल लिक्विड में क्या क्या आप क्या जाएंगे, वोलेटाइल लिक्विड और गैसेस, इन दोनों को हम कहते हैं इनहेल्ड एनेस्थेटिक एजेंट। क्या कहते हैं, इनहेल्ड एनेस्थेटिक एजेंट। इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट में आपका और आ जाएंगे, तो वोलेटाइल लिक्विड में आप लोग यूज करते हैं क्या, ईथर, हैलोथेन, एनफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन और सीओफ्लोरेन। जनरल एनेस्थेटिक्स एजेंट्स दैट आर यूज्ड एज ए वोलेटाइल लिक्विड्स आर ईथर, हैलोथेन, एनफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, सीओफ्लोरेन। और गैसेज में हम क्या यूज करते हैं, गैसेज में हम यूज करते हैं क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। गैसेज में क्या यूज करते हैं हम, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट में हम क्या यूज करेंगे, इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट में हम यूज करते हैं क्या, थायोपेंटोन,
इटोमाइडेट, बेंजोडाइजिपिन, प्रोपोफॉल, कीटामीन, थायोपेंटोन, इटोमाइडेट, बेंजोडाइजिपिन, प्रोपोफॉल एंड कीटामीन आर द एजेंट विच आर यूज्ड एज इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट। अब हम चलते हैं सबसे पहले ईथर। सबसे पहले बात करते हैं वोलेटाइल लिक्विड का, ईथर। ईथर चूंकि इनहलेशन एनेस्थेटिक एजेंट है तो इसको देने के लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं चाहिए होगा। खास बात यह है कि ये सेफ होता है, इट इज ए सेफ एनेस्थेटिक एजेंट विच डज नॉट प्रोड्यूस एनी डैमेज टू लिवर आर किडनी। इसके अलावा यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट कॉम्प्लिकेटेड एपरेटस। डिसएडवांटेज क्या है, इसका जो इंडक्शन होता है वो स्लो होता है, स्लो इंडक्शन स्लो रिकवरी। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी सिक्रीशन को ये बढ़ा देता है, इट इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, प्रोड्यूस नाजिया एंड वोमिटिंग, प्रोड्यूस नाजिया एंड वोमिटिंग। दूसरा आपका आता है क्या, हैलोथेन। हैलोथेन इज ए फ्लोरिनेटेड वोलेटाइल एनेस्थीसिया। इट इज ए हैवी कलरलेस लिक्विड विथ ए स्वीट फ्रूटी ऑर्डर। और ये अगर किसी एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट में दिया जाता है तो स्टील या ब्रास को नुकसान पहुंचाता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इट प्रोड्यूस मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। इट मीन्स हैलोथेन कॉज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। कैसे काज करेगा, ड्यू टू द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इन केस ऑफ हैलोथेन यूज। मतलब जब भी हैलोथेन का यूज करेंगे तो अक्सर ये कहा जाता है कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जनरेट होता है। एडवांटेज क्या है, इट इज ए नॉन इंफ्लेमेबल, इट डज नॉट इरिटेट रेस्पिरेटरी पैसेज, इंडक्शन और रिकवरी दोनों क्विक होता है, और इट डज नॉट प्रोड्यूस ब्रोंको स्पाज्म एंड कफिंग, बट इट प्रोड्यूस ब्रोंको डायलेशन। सो इट इज यूटिलाइज फॉर अस्थमेटिक पेशेंट ऑल्सो। ब्रोंको स्पाज्म और कफिंग जैसी दिक्कत यहाँ देखने को नहीं मिलती। तो ये क्या काज करते हैं, ये काज करते हैं ब्रोंकोडायलेशन। इसीलिए जितने भी अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, अस्थमेटिक पेशेंट में भी हम किसका यूज करते हैं, हैलोथेन का यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, हैलोथेन का डिसएडवांटेज क्या है कि इट कॉज लिवर एंड किडनी डैमेज, हिपैटिक डैमेज, इंक्रीज इन इंट्राक्रैनियल प्रेशर ड्यू टू सेरिब्रल वेजोडायलेशन, डिलेड रिकवरी, एरिथमिया, कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन एंड हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये सब के सब किसके लक्षण हैं, हैलोथेन। अब इसके बाद आपका आता है एनफ्लुरेन। एनफ्लुरेन, एनफ्लुरेन अगर देखा जाए तो सेफ है बाकी की तुलना में, नॉन इरिटेटिंग, नॉन इन्फ्लेमेबल, टॉक्सिसिटी इज लेस, एक्शन भी फास्ट है, रिकवरी भी फास्ट है। लेकिन ये देखा जाता है कि इपिलेप्सी की अटैक इससे आने की चांसेस रहती है, कॉन्ट्राइंडिकेशन
पेशेंट विद एपिलेप्सी आर ब्रेन लेजन, उनको कभी एनफ्यूरन नहीं दिया जाता है। फिर आपका आता है आइसोफ्यूरन, अगेन वही चीज, इट इज एन आइसोमर ऑफ एनफ्यूरन बट इट इज मोर पोटेंट एंड मोर वोलेटाइल। जितने भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज इनको होती है उनको आइसोफ्यूरन वगैरह नहीं दिया जाता है, बिकॉज हिपेटोटॉक्सिसिटी तो क्रिएट करता ही है, साथ ही साथ एरिथमिया, एरिथमिया। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, डेफ्यूरन, इट इज हाईली वोलेटाइल एंड लेस सॉल्युबल इन ब्लड एंड टिश्यू, सो इंडक्शन एंड रिकवरी आर क्विक। इट्स पंजेंट ऑर्डर मे कॉज इरिटेशन लीडिंग टू कफिंग एंड नेजल स्पॉज। इट डज नॉट प्रोड्यूस एरिथमिया और सीजर, नो लिवर और किडनी टॉक्सिसिटी, सुटेबल एज एन एनेस्थेटिक फॉर आउट पेशेंट सर्जरी एंड द पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज विद इन फ्यू आवर्स। फिर हमारा आता है क्या, सीवोफ्यूरिन। सीवोफ्यूरिन क्या है, इट इज ए नेवर पॉलीफ्लोरिनेटेड एनेस्थेटिक एजेंट, लेस पोटेंट एंड लेस सॉल्युबल देन आइसोफ्यूरिन, रिकवरी इज स्मूथ, इट डज नॉट प्रोड्यूस सीजर और एरिथमिया, नो टॉक्सिसिटी टू किडनी या लिवर। फिर हमारा आता है क्या, गैसियस एनेस्थीसिया। गैसियस एनेस्थीसिया में क्या है, गैसियस एनेस्थीसिया में हम यूज करते हैं क्या, नाइट्रस ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाफिंग गैस, और ये कभी भी ब्लड में डिजॉल्व नहीं होती। इट डज नॉट कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन, इट इज कैरिड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सॉल्यूशन, इट डज नॉट डिकम्पोज इन द बॉडी, बॉडी में डिकम्पोज नहीं होगा, तो इसका जो ऑक्सीजन है वो उसको आप यूटिलाइज नहीं करते फॉर द पर्पज ऑफ रिस्पायरेशन। इट इज एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड एंड ए स्मॉल क्वांटिटी में भी एलिमिनेटेड वाया स्किन। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो गैसियस एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं उनको हम लंग्स के द्वारा लेंगे और लंग्स के द्वारा ही बाहर निकाल लेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, अनचेंज, क्योंकि हमारी बॉडी में डिकम्पोज तो होता नहीं है, तो जिस फॉर्म में लिया उसी फॉर्म में बाहर, और कभी भी ये ब्लड में डिजॉल्व नहीं होता है, और चूंकि ये डिकम्पोज होता नहीं है तो इसकी ऑक्सीजन को आप किसी अदर पर्पज में आप यूज नहीं कर सकते। एडवांटेज, इंडक्शन एंड रिकवरी आर क्विक, नो इरिटेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन, इट इज नॉन टॉक्सिक टू लिवर एंड किडनी, इट इज नॉन टॉक्सिक टू लिवर एंड किडनी, नो इरिटेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन, इंडक्शन एंड रिकवरी आर क्विक। इसके बाद क्या आपका आता है, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है, इट इज नॉट ए पोटेंट एनेस्थेटिक एजेंट, मसल रिडक्शन इज नॉट एडिक्वेट, स्पेशल एपरेटस रिक्वायर्ड फॉर इट्स यूज, इट प्रोड्यूस यूफोरिया, इट प्रोड्यूस यूफोरिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक हुआ, इसके बाद आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।